हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जहान आरा और आप देख रहे हो मेरा चैनल जहान आरा ऑल इन ऑन। तो आज मैं आप लोगों को मेला दिखाऊंगी। तो मेला देखिए, ये गोरखा का दीपावली महोत्सव है। दीपावली में यहाँ पे मेला बैठता है और ये महिंद्रा ग्राउंड में बैठा हुआ है मेला। और ये मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे मेला बैठा हुआ है। तो मेरे लड़के का जो बस है, स्कूल बस है, इधर से ही जाता है, तो लड़के ने देख लिया था, तो वो जिद कर रहा था आने के लिए। तो उसने बताया तो हम लोग आ गए सब लोग, क्योंकि मेरा आने का नहीं था, क्योंकि मैंने रोज़ा करके रखा हुआ था। और रोज़ा करने के बाद पूरा दिन भर नहीं खाओ, फिर शाम को जब मतलब अपना रोज़ा खोलो, मतलब खाना वाना खाओ, कुछ खाओ, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, एकदम ही कैसा ही लगता है। तो इसी वजह से मैं नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी इन लोग मुझे खींच खींच के लेके आए। बोल रहे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी चलो चलो, अच्छा नहीं लगता है, नहीं जाते हो आप। तो फिर इसी वजह से मतलब आना पड़ा। फिर देखिए, ये एक सिंगर आई हुई है, और इस मतलब इसमें क्या होता है कि जो जो डांस करते हैं, कुछ करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्राइज़ भी दिया जाता है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉरी, तो वही होता है। तो ये जो लोग डांस कर रहे हैं, इन लोगों को भी मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। एक सिंगर आई हुई है, और सामने जो आप लोग सीटें देख रहे हो, ये मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करके रखे हैं उन लोगों के पेरेंट्स के लिए है, और जिन लोग पार्टिसिपेट करके रखे हैं वो लोग भी बैठते हैं इसमें। और कुछ VIP लोग हैं जो सामने वाले सीट में बैठते हैं, जैसा कि होता है, और यही है। और ये गाना जो है, मैंने उसको वॉल्यूम कम कर दिया है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है कोई भी गाने से। तो इस वजह से मैंने कम कर दिया है गाना, आप लोगों को नहीं सुना पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ये देखिए, इसके पीछे भी सीटें, काफ़ी सारे चेयर लगे हुए हैं, जो मतलब सब लोगों के बैठने के लिए लगे हुए हैं, और अच्छे वाले चेयर ही है, गद्दे वाले चेयर है। तो हम लोग उतना बैठे नहीं, हम लोग थोड़ा सा घूमे, फिर घर चले गए, क्योंकि मुझे भी खाना वाना खाना था, फिर नेक्स्ट दिन भी मुझे रोज़ा रखना था। तो इसी वजह से तो इन लोगों को ज़्यादा मैं घुमा नहीं पाई, थोड़ा सा फिर भी घुमा लिया, क्योंकि बच्चों का जिद था तो पूरा करना था। बस ये हमने थोड़ा सा देख लिया, गाना डांस हो रहा था, क्योंकि भाषणबाजी जो है हमें पसंद नहीं आती है, और समझ में भी नहीं आ रहा था। ये लोग पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा गाना डांस यही थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से, और यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉल लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या स्टॉल लगा हुआ है। और काफ़ी सारा है, मतलब इतना ज़्यादा एकदम डिटेल्स में बनाने जाती वीडियो, तो काफ़ी जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है सब कुछ चीज़। तो देखिए, ये मेरी लड़की जो है वही कर रही है, इसको कैम मतलब मोबाइल को घुमा रही है, इधर उधर करके रिकॉर्ड कर रही है। तो काफ़ी सारा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। ये सामने जो स्टॉल आप देख रहे हो ना, ये है आपका वो लकी ड्रॉ का स्टॉल है, मतलब वो लॉटरी वगैरह इन सब चीज़ों का स्टॉल है। और काफ़ी सारा खाने का स्टॉल लगा हुआ है, आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ है, और मतलब बाकी जो खाने पीने का सामान मिलता है वही सब चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है। और ये बलून तो बहुत अच्छे लगते हैं मेले में, यही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सबको। और सामने आपने देखा होगा वो उधर जो है राइड करने का जो लगा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे है, जैसे कि देहरादून में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा है, नोटिस किया है कि मेला मतलब लगा ही रहता है, चाहे आप, ये महिंद्रा ग्राउंड में लगा हुआ है। इससे पहले मैं गई थी पैरेड ग्राउंड, जो आप लोगों को शायद भी मैंने शेयर किया था, पैरेड ग्राउंड का मेला। तो ये देख रहे आयान और जीनात दोनों, सॉरी आयन और जीनत दोनों ये ड्रैगन ट्रेन में बैठे हैं। इस ट्रेन में बैठने के लिए इन लोगों के बीच मतलब बहुत झगड़ा हुआ, कि वो बोल रही है, वो देख रहे हो, वो बड़ा वाला जो झूला है इसमें चढ़ना चाह रही थी जीनत। तो मेरे बस में तो है नहीं, क्योंकि मैंने पूरा दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो मैं नहीं चढ़ पाती। तो इसके पापा ने भी नहीं चढ़ने से मना कर दिया, तो जीनत नहीं चढ़ पाई, क्योंकि अकेले उस झूले पर उसको नहीं बिठा सकते। इसमें भी मैं अकेले नहीं बिठाती, लेकिन इसके पापा नहीं चढ़ना चाह रहे थे, तो बिठाया। फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि दोनों अकेले बैठ रहे हैं, आयन बैठना चाह रहा था, जीनत नहीं बैठना चाह रही थी, तो आयन को अकेले कैसे भेज सकते हैं। तो इसीलिए जीनत को थोड़ा फोर्स करना पड़ा, तब जाके वो बैठी, और फिर बोला कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारे मनपसंद वाले झूले में बिठाएंगे, क्योंकि एक एक झूले में जो है एक एक छोटे छोटे बच्चों का 50 रुपीज़ करके लिया, 50 रुपीज़ लिया जरूर है, दोनों का 100 रुपीज़ लिया है, 100 रुपीज़ लिया है, लेकिन देखिए इसमें 18 राउंड उसने लगाया, मैंने काउंट किया था खड़े होके ओके कि जितना राउंड लगा रहा है ये, तो 18 राउंड लगाया, तो उसके हिसाब से ठीक ही है। तो बस इसी में ये लोग चढ़े थे, थोड़ा सा घूम लिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे देर मतलब मेला में एक चीज़ जो है, तो वो है कि कप वगैरह या फिर फूल फूल के लगाने के लिए जो टब होते हैं वो सब कुछ बहुत मिलते हैं, और वो कारपेट कारपेट
यही तीनों चीज जो है मैंने ज्यादातर मेले में देखा है यहाँ पे मिलते हैं। कारपेट तो हर जगह में ही, मतलब मिल जहाँ पे भी मेला बैठता है वहाँ पे कारपेट लेके सब बैठ जाते हैं। तो यहाँ का जो कारपेट है वो बहुत ही अच्छा भी है, मैंने भी पूछा, लेकिन एक छोटा सा कारपेट था, उसका प्राइस उन लोगों ने 700 बताया। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, मुझे लेना नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा घर अभी तक बना नहीं है, तो सामान रखने की उतनी ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, और मैं क्वार्टर में रहती हूँ तो 3 साल के बाद मुझे जाना पड़ता है, तो ये सामान सारा समेटना बहुत मुश्किल होता है। खास करके देखिए, मैं जब ऊपर से नीचे आई थी, ऊपर के क्वार्टर में रहती थी, तभी नीचे जब आई थी तब मुझे बहुत मुश्किल हुई थी सारा सामान समेटने में, वो भी समेटा नहीं था, बस बाल्टी में नहीं तो गमले में डाल डूल के लेके आए थे, उसी में इतना परेशान हुआ। लेकिन जब पोस्टिंग जाते हैं, जब पूरा सामान लोड करना पड़ता है ट्रक में, तब जाके बहुत दिक्कत होती है, और प्रॉपर उसको मतलब पैकिंग भी करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा सोचती हूँ सामान नहीं बढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास सारा सामान और फर्नीचर वगैरह है, तो क्या करूँ अभी, मतलब इतना भी मन को समझा के भी नहीं रख सकते ना कि ये चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ नहीं चाहिए, कब तक, आधा ज़िंदगी तो ऐसे ही बाहर ही निकलेगी। तो इसीलिए सामान तो मेरे पास काफ़ी सारा ही है, लेने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर भी, और गमले तो आप लोगों ने देखे मेरे, अगर नहीं देखा है आपने अगर, तो मेरा गार्डन वाले ब्लॉग में जाके देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को दिखाई पड़ेगा मेरे पास कितने सारे गमले हैं, क्योंकि गमले का भी मतलब पौधा लगाने का भी शौक़ मुझे बहुत है, तो वो पता नहीं मुझे शायद छोड़ के ही जाना पड़े वो सारा गमला, अभी बोलेंगे कि मत लेके जाओ। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कारपेट है, ये डबल बेड का है, आपका सिंगल का। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ओके टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।